अस्पताल में नवजात की मौत, परिजनों ने लगाए अस्पताल कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप। बेगमगंज सिविल अस्पताल हमेशा लापरवाही में चर्चाओं में रहते हुए, जहां आज एक और लापरवाही, नवजात बच्चे की मौत हो गई। महिला कर्मचारी की वजह से नवजात बच्चे की मौत हुई। बच्चे के परिजनों के हिसाब से बच्चे को सर्दी हुई थी और नाक से खून निकला और बच्चा मां से हमेशा के लिए दूर हो गया। ये पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले हैं कि परिजन डॉक्टर और स्टाफ नर्स को बुलाते रहते हैं और समय पर कोई नहीं पहुंचता। 3 दिन का बच्चा माँ से बहुत दूर चला गया। जब अस्पताल में डॉक्टर को बुलाया गया तो कोई भी डॉक्टर अस्पताल में नहीं था, सारी अस्पताल खाली पड़ी हुई थी, डॉक्टर के चैम्बर खाली थे, डॉक्टर नदारद थे। डॉक्टरों को बार बार देखा गया पूरी अस्पताल में, घर से बुलाया गया पर डॉक्टर नहीं आए। क्या हो गया था? सिस्टर बरात नीला माती सिस्टर हो रही है, को रहती वो भी एक साथ में मारो डॉक्टर आओ। वो कौन सा सुखा कह रहा हमसे, कह रहा के आज में दूध फंस गया हूँ बुड्ढी को, वो हमें बता रहा हूँ आज में दूध फंस गया हूँ, बिठा रहे मोड़ा है लाद वाले की गोदी में धा रहे, हमारी बाट की पूरी वर्ती आएंगे लगी भाई जाओ तो मोड़ा को देख लो, वे वाले बहुत परेशान है, मगर उन्होंने नहीं कही के हम डॉक्टर ने बुला रहे, जा नहीं कही के हम डॉक्टर ने बुला रहे, कौन डॉक्टर की ड्यूटी है, न बाट में गई हमारे न हमारे बाट में गई कोई नहीं बुलाया, मोड़ा ठंड में ले लेके भगे। अब वो तरकीब आपको वो एक बार बताने से नहीं आती, वो बार बार उसको बच्चा एक बार अगर दूध अच्छे ढंग से पीने लगता है तो फिर सांस की नली खुल जाती है, और अगर सांस की नली पूरे ढंग से नहीं खुल पाती तब वो दूध जो पिला के बच्चे को ढंग से अगर नहीं लिटाएंगे तो वो सांस की नली में चला जाता है। सर तो, लेकिन दूसरी डिलीवरी थी, माँ को तो पता होगा कि बच्चे को दूध कैसे पिलाते हैं। हाँ, तो ये बात जो है ये अस्पताल में ही आगे बताई जाती। और नसीम अली की रिपोर्ट, मर्डर केस की गुत्थी सुलझी। 23 सितंबर को मिली विदिशा निवासी विवेक तिवारी की लाश, जिसको सिर को चलकर सांची के जंगल में पटक दिया था, जिसको अपराधी निकले पुलिस के मुताबिक लूट की कोशिश में की थी हत्या। सलमान पाल और आकाश धानक के मुख्य आरोपी हैं, दोनों ने अपना जुर्म कबूला। हम आपको बता दें विवेक तिवारी की दोनों आरोपियों ने शराब की दुकान पर मुलाकात हुई थी और उसके चलते दोनों ने सोचा कि इसके पास पैसे होंगे, लूट की नियत से खाना खिलाने के बहाने सांची के गुलगांव रोड पर जंगल में लाकर गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद पत्थरों से सर कुचल दिया गया था ताकि पहचान ना सके। वहां ले जाकर रोक के उसके साथ में पहले तो पैसे छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन उस आशीष के द्वारा प्रतिरोध किया गया और चिल्लाने की कोशिश की गई तो उसका कांख में दबा के काफ़ी देर तक कांख में दबाए रखा, गला दबा दिया, फिर गमछे से भी गला दबाया और अब आशीष इसी स्थिति में लगभग मृतप्राय हो गया था। अंदर ले जाके उसको कि ये पहचान में नहीं आए, उसको पत्थरों से कुचल के शक्ल बिगाड़ी और झाड़ियों में वहीं पे छुपा दिया। दो तीन दिन बाद गांव वाले आसपास वाले लैटरिन इत्यादि के लिए गए थे वहाँ पे, उनने देखी लाख पुलिस को सूचना दी। सब कुछ मुख्य भूमिका रही है।